अब ये टट्टे क्या बोल रहे हैं, हमने कुंवर को मरवा दिया, हमने कुंवर को पकड़ लिया, हम चाहेंगे तब तक कुंवर नहीं आ पाएगा। अरे गांडू लोग, औकात देखो तुम्हारी, जब तुमको टाइम दिया तुम आ नहीं सकते तो हमको पकड़ क्या सकते हो गांडू, हमको क्या कर सकते हो। चूतिया लोग अपनी चूतिया पंती अपनी पुंगी बना के गुजरो, जिस दिन मुझे सामने आ गए ना एक एक को फोड़ूंगा, एक एक को गांड में सीधा नीचे से डालूंगा, कान से निकालूंगा, समझे सारे टट्टे। जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुंवर जी के बारे में। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कुंवर जी कौन है। मेरे कुछ फॉलोवर्स होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। कुंवर जी एक इंडियन यूट्यूबर है और पाकिस्तानी कुछ भड़वे है, जैसे कि बकार सगीर, हैंडसम सुअर, क्या सुअर बोल देते हैं, खंजीर क्या बोला यार, सुअर नावेद, उसका इनके चैलेंज चल रहा था। उसने चैलेंज दिया था कुंवर जी को कि ओमान आ, ओमान आ। तो कुंवर जी ने ओमान गया, 9 दिन ओमान में रहकर वीडियो बनाई कि मैं यहाँ हूँ, तुम लोग आते क्यों नहीं है, बट इन दल्लों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ओमान जा सके। बकार सगीर ने FIR करवा दी इसके बंदे के ऊपर कि ओमान में ऐसी ऐसी बातें कर रहे, समझते हो आप। तो अब ये सुअर क्यों चुप है, आपको पता है, कुंवर जी वापस आ गए। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि वो NN के ऑफिसर, वो भड़बा साला, उसने वीडियो डाली थी कि कुंवर जी ओमान के ऐसा लो है कि कुंवर जी अब कभी वापस नहीं आएंगे, उसे सजाए मौत होगी, समझते हैं, चल ठीक है मान लिया। यानी कि उसके बाद, यानी कि हर, यानी कि दो दिन बाद कुंवर जी न्यू अपडेट, कुंवर जी न्यू अपडेट। अबे भोसड़ी वालों, अब क्या हुआ, कुंवर जी कैसे वापस आ गए, हमें भी बताओ यार। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, कुंवर जी 9 दिन वहाँ रहे, तो 9वें दिन यानी कि वापस आ गए, उनकी जो आर्मी में उनको कॉल लेटर आया था वो ट्रेनिंग में चले गए थे। 6 महीने आपको पता है कोई कुछ नहीं कर सकता, 6 महीने बाद अभी वो वापस आए हैं। तो उन्होंने एक वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं, कुंवर जी ने एक वीडियो डाली है, इतनी लंबी वीडियो डाली है। तो कैसे उन्होंने उसकी, कुंवर जी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर को आके पेल दी है। तो NK ऑफिसर सुन मेरी बात, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी 4-5 महीने पहले, ठीक है, कि कुंवर जी कभी वापिस नहीं आएंगे, तो ओमान का ऐसा लॉ है कि वहां पे उसे सजाए मौत होगी। तो भड़बो, अब तुम्हारी कैसे फट गई है, कुंवर जी कैसे वापिस आ गए। अगर मेरे को बात बता, अगर वहां पे ऐसा हुआ होता कुंवर जी को, अगर मार पड़ी होती, अगर कोड़े पड़े होते, तो वापस आकर वो ऐसी वीडियो नहीं बनाता, समझता है तू, पॉइंट को नोट कर। और वो वीर सुअर, वो चुप है क्योंकि वो ये कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है ही दल्ले, है ही भड़वे सारे, ऐसे भोंकते हैं यूट्यूब पे आके, अभी पाकिस्तान के यूट्यूबर इनकी बजाने लग पड़े हैं। भाई वो वापस कैसे आ गया, तुम लोग सिर्फ बकचोदिया ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ना ये नहीं है, समझते हो, जो एक मर्द के अंदर होता है ना, मर्द के अंदर, वो तुम लोगों पे नहीं है, सिर्फ भोंक सकते हो। तुम लोगों ने चैलेंज दिया था, बंदा 9 दिन वहां रहा, तो तुम लोगों, मेरे को एक बात बताओ, गए क्यों नहीं वहां पे, क्यों नहीं गए, फट के हाथ में आ गई थी ना, FIR करवा दी। अबे लख दी लानत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर, सबसे पहले तो वो बकार सगीर हर वीडियो पे, यानी कि अभी वो बाबरी मस्जिद के ऊपर हर वीडियो, क्योंकि उसके ऊपर उसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर, ये इतने शातिर है, मेरे को एक बात बताए, ये इतने शातिर है, जिस एक वीडियो डालते हैं, जिस वीडियो पे व्यूज अच्छे आने लग पड़े, उस पे ये बार बार वीडियो डालते हैं। तो ये औकात है इनकी, एक भिखारियों की, जो अमन का कटोरा लेके चला था ना इनके ऑफिसियल, वो भिखारी का कटोरा लेके चला। तो बात सुनो, औकात में रहो, अपनी औकात मत भूलो, कि जिस तरह से तुमने कुंवर जी को, यानी के उसके ऊपर FIR की, तो तुम लोगों की कैसे फाड़ी है उसने वापस आकर, वीडियो में देखना जरा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, समझते हो, जीजा जी है तुम्हारे वो कुंवर जी, किसके बट, नावेद के और
बकार सगीर के और एनके ऑफिसर के, ये तीनों साले कुंवर जी के, जिनके पिछवाड़े में दम नहीं वो नहीं गए, एफआईआर करवा दी। तो बीर इतना इनके घटिया और फट्टू इंसान है, सबसे पहले इसका चैलेंज चल रहा था उपदेश राणा के साथ। इसने उपदेश राणा ने जाने की सोची दुबई में, तो दुबई जाने से पहले इसने एफआईआर करवा दी उपदेश राणा से। अबे ओए यार, चैलेंज भी देते हो और फटके हाथ में भी आ जाती है तुम्हारी, क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? एक बात बताओ, भोंकने से कुछ नहीं होगा, अगर दम है ना, दम है तो जाते तुम लोग। चैलेंज दिया था, बंदा गया, तुम लोग मिले क्यों नहीं? मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने किसी वहां पे फोन करके ये बता दिया कि इसके ऊपर एफआईआर करवा दो यार, हमें डरा रहा है, धमका रहा है, ये वो कहा था तुम्हारी? अबे लख दी लानत सालो तुहाडे ते। सो गाइस, तो कुंवर जी वापिस आ गए हैं, तो कुंवर जी को बहुत बहुत बधाई कि वो आर्मी में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। तो कुंवर जी अब यूट्यूब पे इनके तो फाड़े पाड़ेंगे पाकिस्तानी की, और जंग में उनकी भी फाड़ेंगे, समझते हैं ना आप?